पर हमारे खेतों पे ना लंगूरों ने हमला कर दिया है, तो कद्दू और मैं अभी लंगूर भगाने के लिए खेतों में जा रहे हैं। दूध देवता ने देखो भाई इतना मस्त रिंग बना रखा ना गोल वाला। हेलो दगड़ियो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पहलाक अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बिरबुर थवाल देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो यार दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है दिन के 11 बजे से और काफ़ी खूबसूरत सा मौसम हो रखा है और कल रात काफ़ी ज़बरदस्त बारिश आई थी जैसा कि आप लोगों ने देखा। और अभी का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, बहुत खूबसूरत सा। और वाटरफॉल की अगर बात करें डेली की तरह तो सदाबहार सुहावना सा आपको देखने को मिल रहा होगा। और चारों तरफ की अगर बात करें तो भैया आज मौसम बहुत ही अच्छा है और इसी खूबसूरत से मौसम में थोड़ा धूप आई है तो तितली अपनी महारानी ने भैया सारे कपड़े निकाल के ला गई है और घाम लगा रही है। क्या कहा कुल तेरा ठाट कौन भाई वे। तो बाबू आज बना रहे मस्त वाला कद्दू के टुक्कों की सब्जी। वाह, कौन हुआ बताया हाँ खान में ये तो पता चलेगा। अच्छा जी, तो स्वीट है यार, बैठ। ओके साहब, ये जरूर सो गया, उसे तो ठीक है साहब, साकू लाऊं। ओके और आसमान की अगर बात करें ना तो भैया आज भैया सूर्य देवता ने पूरा अपने चारों तरफ एक खतरनाक सा चक्र बना रखा है। इसका मतलब क्या है मुझे भी नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जहां तक मेरा अंदाजा है इससे काफी खतरनाक या तो सूखा होता है या फिर ज्यादा बारिश होती है। अब इन दोनों में से क्या होगा भगवान जाने। हैं कहां लगा इंद्रधनुष, उज्जा इंद्रधनुष भी लगता है। ओहो दूध देवता ने देखो भाई इतना मस्त रिंग बना रखा ना गोल वाला। ये आज महारानी ज्योति अपनी ताई जी के पास गई है। वाह, ए ज्योति कच्चा वाला ताई जी के पास अच्छा वाला है और छोड़िए। वाह, तो अब एक कदुआ का टुक छिलो बोल रहे हैं बाबू, तो इस तरीके से छिलना है ये। वाह, तो फटाफट से अब छिल लेते हैं। तो भाई अभी है दिन का समय और हमारे खेतों पे ना लंगूरों ने हमला कर दिया है, तो कद्दू और मैं अभी लंगूर भगाने के लिए खेतों में जा रहे हैं। तो फटाफट से दादी कितने ज्यादा आ रखे हैं बोलते थे पापा, और अभी हम जा रहे हैं खेतों में। कद्दू तो वहां पहुंच गया यार, ये अब मैं कहां से जाऊं। चलो भागो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। ओ भाई साहब, तो देखते हैं कितने लंगूर आए हैं। कल्लू कहाँ है लंगूर? नहीं कहाँ है पता नहीं, कहाँ देखे बाबू ने। हो थक गया, मेरे साथ कल्दा आया हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया कल्दा। कल्दा वहाँ दौड़ रहा है वो, अब होंगे नहीं होंगे पता नहीं, दिख तो है। ओ भाई लंगूर दिखाऊं, वो देखो ऊपर पेड़ में वो है लंगूर। कहाँ जा रहा है भाई? और भाई नीचे है यार, चल खलता ये देखो कितने सारे लंगूर आ रखे हैं। ये पकड़ कल्लू, पकड़ दे पकड़ दे, कल्लू जा रहा है बूढ़े बूढ़े, पकड़ 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 सावास। तो भाई आजकल ना खेतों पे जाना भी बड़ा दुश्वार है क्योंकि मड़ुआ बहुत बड़ा है और इन खेतों में ना भाई सांप का भी बहुत खतरा है। तो अभी तो मैं भुड़बुड़ी जा रहा हूँ और लंगूरों को भगाता हूँ, तो देखते हैं कहाँ पर तो चले गए। पेड़ में गए हैं यार ये गंजार लंगूर, वो देखो ये सब पेड़ में सड़ गई है। अब यहाँ पत्थर पहुँचे ना पहुँचे पता नहीं, चलो ट्राई तो करते हैं। कल सा मस्त जा रहा, कब आए कब पकड़े करके। हमारे गांव के खेतों से ना भाई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों में खूबसूरत से झरने और ठीक सामने गांव। वाव,
मतलब एक हिसाब से पूरा ऑल इन वन गांव है भाई अपना, खूबसूरत सा। खेतों में ना अब मडवे की बालियां भी निकलने लगी है ना, जिसके कारण भैया ये लंगूर और बंदर खेतों में आ रहे हैं खाने के लिए। और ये धीरे धीरे थोड़े दिनों में ना ये पूरा उजाड़ देंगे अगर ये ऐसे ही रहे तो। ये अभी आ रहे, कल्लू चला गया। हाँ पकड़ कल्लू, पकड़ 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 पकड़। अरे यार जैसे मैं पेड़ से दूर गया ना तब जाके ये लंगूर निकल रहे हैं। ये देखो ये भाग रहे अभी। लंगूर ना अपने आप को इतना चालाक समझते हैं, इतना चालाक समझते हैं ना जैसे इनके बराबर कोई चालाक होगा ही नहीं। बिल्कुल यूं 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 करके छिपके देखते हैं। थक गया मैं तो चले गए यहाँ से नीचे को सारे लंगूर। और नज़ारा देखो भाई और खूबसूरती देखो। अब तो कल्लू भी सारा भी थक गया। चल कल्दा चल कल्दा। तो भैया फाइनली कल्दा और मैं बंदर भगा के आ गए, लंगूर भगा के आ गए। और भाई इतने बड़े बड़े लंगूर थे ना, मेरे से भी दुगने लंगूर यार, काफी हट्टे कट्टे बिल्कुल मसल सिक्स पैक वाले यार, जबरदस्त वाले लंगूर थे। तो चलो अब घर चलते हैं भाई, क्योंकि बहुत गर्म भी हो गया और धान के पत्तों से ना पूरे हाथ और पांव कट गए हैं। कल दा था मस्त मजे में जा रहा था यार, ये देखो अभी भी मजे में है ये तो। और गांव देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। ओए पानी पी रहा तू? थक गया जरा, पानी पीने लग गया। अभी है शाम का समय और भैया अभी गीता और मैं छत पे हैं और महारानी हमारी सोई हुई है मस्त करके। और शाम का नज़ारा देखो भाई काफ़ी खूबसूरत सा हो रखा है। और ऊपर पहाड़ पे देखो भाई कितनी खतरनाक वाली बारिश हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई ऊपर देखो, ये जबरदस्त वाली बारिश हो रही है। और धीरे धीरे ना भाई आसमान में पूरे घने काले बादल छाने लगे हैं। और बिरथी वाटरफॉल की अगर बात करें डेली की तरह तो भाई ये तो जबरदस्त ठहरा, खूबसूरत ही ठहरा। और आज तो हमारी गीतली भी तो बड़ी क्यूट लग रही है, वो ये यहाँ करें फुल पहाड़ी लुक में। आय हाय हाय शर्मेले दिए है, यह याद है शर्माती दही भगत, शर्मा भी देती है तू। कौन से कह दिली ये वैसे कह दिली है क्या बात कर रही है? सुकून आ रहा है, मैंने लगाए फूल भी खिली, तुम्हारी लगाई मैं आई भी नहीं। अच्छा सब मेरे हैं? सब तेरे हैं? गुड, घर भी मेरा, फूल भी मेरे और आप भी मेरे कभी। अच्छा यहाँ देखो ना यहाँ भी छोटा वाला आया है। ये कौन सा फूल है वाला? ये खाली फूल बो देती है और इसको आता पता कुछ होता ही नहीं है कौन सा फूल है कैसा फूल है, भगवान ही जाने। क्यों ये भी फूल ही है। दरअसल शाम हो गई है और बाहर भैया डेली की तरह कंटिन्यू बारिश स्टार्ट हो गई है। और ज्योति और पिताजी यहाँ पे मस्त करके न्यूज़ देख रहे हैं और साथ में है ईजा और बढ़िया करके न्यूज़ देख रहे हैं। और हमारी महारानी यहाँ पे क्या कर रही है, खाना बनाने की तैयारी। तो चलो भैया अब बनाते हैं खाना और इस वीडियो को भी करते हैं एंड। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल। और भैया ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई।